गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के पास एक वैगनर कार में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस कार के पीछे पुलिस लिखा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो अंदर से 500 के नोटों से भरा लेडीज बैग मिला, जिसमें करीब 11 लाख रुपए हैं। साथ ही कुछ पेपर्स भी मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को मामले की सूचना दी। जब पत्नी मौके पर पहुंची तो पति को मृत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी ने पुलिस को बताया कि मृतक का नाम सोनू है, वो विजयनगर के पेट्रोल पंप पर काम करता है। आशंका जताई जा रही है कि रास्ता सुनसान होने के कारण किसी ने फायदा उठाकर यहां पर लाश को ठिकाने लगाया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। न्यूज़ ब्यूरो।